ऐसी तैसी कर राखी है और माइक को राखी है बहन का, यही है तेरा पहलवान, यही है पहलवान। गलत तो इन्हीं के साथ हुआ ना, गलत काई करो इनके, हमारे क्या हो रहा, गलत तो क्या गलत हो रहा है, ऐसी तैसी उम्र निकल गई, हमारे सर्टिफिकेट बेकार बर्बाद कर दीजिए बिल्कुल। अच्छा, और बदनाम कर दीजिए इन्होंने कुश्ती, बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, मैं कह रहा हूं कुश्ती बर्बाद कर दीजिए इन्होंने, बहुत बड़े नामी चेहरे हैं आप, मैं कह रहा हूं जी यही थोड़ी है, देश में सबसे अच्छे पहलवान और भी हैं जी, और ओलंपिक मेडलिस्ट और भी हैं जी, इनकी वजह से इनकी तो पहलवानी खत्म हो ली जी। हां, और हमारी भी करना चाहिए, और हमारी भी करना चाहिए, बालक नवे बालक है जी हम। भाई साहब कहां से आए? चपरौली खाड़ा, खाड़ा चपरौली। ये क्या प्रोटेस्ट है? दिलाबाग कंपटीशन नहीं हो रहे जी, कंपटीशन नहीं हो पा रहे हमारे, कंपटीशन नहीं हो नहीं हो रहे। ये आपने लगाया है पोस्टर जो लगाया है साक्षी बजरंग को विनेश फोगाट के, क्या है वजह? क्या वजह है जी? ये कुश्ती कंपटीशन करो, कंपटीशन नहीं होने दे रहे ये। हाँ, राजनीति 1.5 साल से कंपटीशन हो रहे, 2 साल का सर्टिफिकेट रहता है और 2 साल के बाद फिर ये कंपटीशन वैध नहीं रहता, सर्टिफिकेट वैध नहीं रहता है, आगे नौकरियों में दिक्कत है बच्चों। आप इनका विरोध कर रहे हैं? साक्षी मलिक का विरोध कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं, इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो कुश्तियों को बहाल क्यों नहीं होने दे, कुश्ती चलने नहीं दे रहे, जब हाई सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष चुन लिया गया और वो कुश्ती करा रहे हैं, फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, पहले सरकार की तरफ कह रहे थे, अब सरकार से भी नहीं, कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला होगा ना उनको, काय का न्याय, सब न्याय तो है। आपने देखा था कितने टाइम तक वो यहाँ पे बैठे हुए थे जंतर मंतर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया चुनाव हो और चुनाव होने के बाद जो जीता उसको करने दो, तो सही था, पहले नहीं कर रहे थे, पहले वाले कर रहे, सही था आपके हिसाब से? सही था वो, बिल्कुल सही था। हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये बच्चे लगता साक्षी मलिक गलत थी, उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे वो सही थे? अब इल्जाम वो जाने और वो जाने, हमारा मतलब है कुश्ती से, कुश्ती को बहाल होना चाहिए, हम उसमें नहीं पड़ रहे का इल्जाम क्या सही है, भीड़ जो है, हम मथुरा से हैं, ये बागपत से हैं, कोई अलीगढ़ से हैं, छपरौली से हैं, सारे पहलवान हैं, सब पहलवान हैं, पहलवानों के गार्जियन हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है और विनेश फोगाट के जो खिलाफ है, इन्होंने ये प्रदर्शन किया है अलग अलग जो है। आइए बात करते हैं क्या वजह क्या है, सब बताइए। वजह है जी 2 साल होगी, अंडर 15 के बच्चों की भी उम्र लिगड़ गई जी, अंडर 17 के जो बच्चे थे 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भी उम्र लिगड़ गई, जूनियर नहीं हो पाई। तो आप क्या चाह क्या, कंपटीशन हो जाए हमारा बस, कंपटीशन दोबारा हाँ जी, हाँ जी। तो अभी रुका हुआ है, रुक रहा जी सब, कंपटीशन सब रुक गया जी कंपटीशन। अच्छा, हाँ जी, भविष्य खराब हो लग रहा, 2-3 साल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। यहाँ पे कौन कौन मौजूद है, यहाँ जो है कोई ऐसा बड़ा नेता है कोई मौजूद जो आपके साथ? नेता कोई नहीं, सब बच्चों की लड़ाई है, ये तो हमारी है। आप सारे रेसलर है सब? अच्छा, रेसलर हमारे गार्जियन सारे हमारे साथ। अच्छा, जी सर क्या कहना चाहेंगे आप आगे आइए। हाँ जी बताइए सर क्या कहना चाहेंगे। हम लोग कहना चाह रहे जी कंपटीशन करवा दो हमारे। अच्छा, एक भी कंपटीशन नहीं हो रहा जी 23 में, जहाँ 5-6 नेशनल हुए थे ना जी, अध्यक्ष जी है हमारे, वे 5-6 नेशनल करवा देते, साल में भी एक भी नहीं हुआ, 18 नेशनल हो गए जी 2000। ये वजह थोड़ी है, ये वजह यही है जी, इनकी तो पहलवानी खत्म हो ली जी। हाँ, और हमारी भी करना चाह रहे, बालक नवे बालक है जी हम, ये हम ऊपर गए इनके लेवल पर जी, भी तो जागे और जी, वे पहली दाब लगे फायदे गया जी, कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपका कैरियर खराब हो रहा है, हो रहे जी, नेशनल हो जाता जी, अध्यक्ष जी ने करवाया था वहाँ से, इन्होंने कल कैंसिल करवाया, जूते दर का भागी थी जी साक्षी, क्यों भागी हो, बालकों में करवाते जी नेशनल क्यों नहीं करवा, इनकी वजह तो नहीं होने दे रहे जी, अंडर 15 इनकी वजह तो नहीं जी मारे जी, हम क्रेडिट का अंडर 17 में मनु पता, हमारी उम्र होली लास्ट साल थी हमारी, बर्बाद हो गई जी 23, इनकी वजह तो ही तो कंपटीशन बंद हो गया, बंद कर दिया इन्होंने, 3 बार नेशनल हो लिया जी सीधे, जा तो नेशनल में जाते गया कैंसिल, किनकी वजह तो हो रहा, इनकी वजह तो हो रहा, अगर ये नुकाय तो बालकों की नई तंती है जी, सब हम वहाँ से गाँव से उठका है जी, ये भी तो गाँव से गए, इनकी वजह से क्यों हो रहा है, इनकी वजह से ऐसा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने के ये वो फेडरेशन का मतलब मालिक नहीं बनाने दे रहे। अच्छा, नु ये मतलब इस वजह से नहीं करने दे रहे। अच्छा, हाँ जी, तो हमारी साल तो आप दो जो, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं जो अभी निरस्त हुए हैं अध्यक्ष वो इनकी वजह से बढ़िया है जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया अध्यक्ष जी, कोई गलत नहीं होता जी। अच्छा, अपना गलत हो जो अपने जी 12 साल तक होता जी, सब काम तो बता दो सके थे जी। अच्छा, इन्होंने जो इल्जाम लगाया गलत है जी, सब गलत है कोई इल्जाम नहीं, इतने टाइम से जो यहाँ पे प्रदर्शन ले लो बैठे हुए थे, जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट क्यों करा जी, वजह क्या वजह जी, जी भी ना पता था जी, आपको नहीं पता क्या इल्जाम लगे, ये बुड्ढे होली है, इन मत दम नहीं रहा अब, और मारे मत दम रहा राजीव जा, पहलवानी होगी डाउन। और ये सोच रहे सब की डाउन, ये बालक है जो अंडर 15 के, इनकी उम्र लिगड़ गई सबकी। हाँ, अंडर 17 की 1 साल रह रही थी वो भी लिगड़ गई,
द ट्रायल। आपको ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो कैरियर है वो खत्म हो रहा है, आपकी एज निकल रही है? होगा जी, उत्तर 24 भी खत्म कर देगा जी। इब जा दो ढाई महीने को फिर जा लिया जी नेशनल पिछा है, फायदा क्या? घर के हम इतने करीब बालक है जी, घर के गुआवे है, जब है नेशनल लो जाके फिर के करे जल कैंसिल किसान के बाल घंटा के बारो। अब देख लो तुम गंडे वंडे की भी तो देख लो, गेर है छोल है सब काम करे, छोल छाल का जाके फिर के होगा देख लो। आप ही तो बताओ, आपको नहीं लग रहा है इतना बड़ा जो इल्जाम है, आप इतने बड़े 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 चेहरे हैं, ये गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, इल्जाम कोई नहीं। आप मीडिया के सामने? हाँ बिल्कुल कह रहे जी, गलत है, गलत है जी, हम कह रहे जी। बताइए क्या जी, गलत है ये? गलत है, सारा गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूँ जी, बस देश में ये तीन बड़े पहलवान थोड़ी हैं जी, और भी बहुत पहलवान हैं। और इन्होंने जो हरेसमेंट का इल्जाम लगाया है, कहीं ना कहीं जो वजह थी धरने की, अभी क्यों आई जी? जब इनकी पहलवानी खत्म होने पे है, जब भी क्यों इन्होंने इल्जाम लगाया जी? पहले भी तो लगा सके, पहले भी जब ये इनके साथ गलत हो रहा है तो जब कहाँ गए ये सारे पहलवान है जी? कली रमन 65 किलो सर आगे जाता दम ताशमा बजरंग में भी पहलवान थे तो दम था, क्यों नहीं बेट डाल के क्यों चलेगा? जानो तो सर आता है, अभी लास्ट भी हारे ना है? हार तो हार मेडल लेता दम यहाँ बैठ रहेगा, धरने पर नहीं होगा, चौकी तैयारी हर थी। क्या लगता कहीं ना कहीं ये राजनीति कुछ मतलब होता? राजनीति है जी, बिल्कुल राजनीति है। कांग्रेस वाला वहां तो जा रहा है, इनके द्वारा बालकों को भी पूछा करिए डुब, प्रियंका गांधी भी मिल रही है मनु तो करा करिए पूछा करिए डुब्बा लग रहा बालकों को नवन होगा कुछ आगे इन्होंने बताऊ, अगर ये आगे वहां भी इन्हू पूछ सके थे करियर डूब गया इनका बालकों का। इसकी उम्र है जी लास्ट साल लगी, लास्ट साल थी 17 का था, ठाड़ा था अपने वजन में, खत्म होगी भी क्या कर लगायो? 2 साल था, 8 हजार था लास्ट, 3 पता था जी जम्मा खत्म होगी 23 क्या कर लगाए? उम्र निकल गई, अब उम्र निकल गई, उम्र निकल छूट दी थी अध्यक्ष जी ने 1 साल की सबको, इसी वजह तेनों को 23 में नेशनल हो जा क्या होया? फिर जूते धरगा भागी क्यों? भागी जूते धरगा तो क्यों बता तो सका, उसका जवाब दो। मैं हम बात करेंगे, हमारे बात करो जी, हम बात करेंगे। देखिए किस तरह से ये जो है इल्जाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इनका कैरियर जो है, इनका आगे का जो भविष्य है वो खतरे में है, और कहीं ना कहीं साक्षी बजरंग और विनेश फोगाट की वजह से जो है इनका कैरियर खत्म हो रहा है। ये बता रहे हैं कि इनकी जो उम्र है लड़ने की जो उम्र है वो खत्म होती जा रही है, आगे जो कैरियर है वो कैसे बनाएंगे? और जानते हैं क्या कुछ वजह है। सर बताइए कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से। नोएडा से तो आप भी रेसलर हैं? हाँ। रेसलिंग करते हैं? हाँ। तो क्या वजह क्या है, क्यों इनके लिए इतना विरोध कर रहे हैं? वजह इन्होंने जी कुश्ती बर्बाद कर दी जी बिल्कुल। अच्छा। और बदनाम कर दी जी इन्होंने कुश्ती, बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कुश्ती बर्बाद कर दी जी इन्होंने, बहुत बड़े नामी चेहरे हैं। मैं कह रहा हूँ जी यही थोड़ी है, देश में सबसे अच्छे पहलवान और भी हैं जी, और ओलंपिक मेडलिस्ट और भी हैं जी, और भी जी पहलवान है, और मतलब इन तीनों को दिक्कत है जी, और किसी दिक्कत ना कुछ भी। जिसके साथ दिक्कत होगी वही खड़ा होगा, दिक्कत बस इंदिरा। तो फिर जो जिसके साथ दिक्कत है रुक जाओ, ऐसी कर रखी है यही है तीनों पहलवान, यही है पहलवान। गलत तो इनके साथ हुआ ना, गलत का ही करो इनके, हमारे क्या हो रहा गलत था? क्या गलत ऐसी तैसी उम्र निकल गई, हमारे सर्टिफिकेट बेकार चले गए। अच्छा इनकी वजह से तो गए, ड्यूटी ना लग रही है, ऐसी तैसी मरवा रहे हैं बिना बात की है, इनकी वजह से तो मरवा रहे हैं। ये जो मान मूर्ति बैठ खड़े हैं बताओ सही ना कह रहा मैं? देश का नाम रोशन किया है इन्होंने, नाम रोशन सीखते ऐसी कर दी नन्नो, हम ना कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन ना हो रहे इनकी वजह से, इनकी उम्र निकल जा रही है, हम नाम नहीं रोशन करेंगे। परसों आए हम, ये कहां से बाप, ये भगवान ने भेजे हैं जो हमारा नाम रोशन करे? अच्छा आपको लगता है अभी देश का नाम रोशन करेंगे? हम करेंगे जी, और 100% करेंगे, और चीता ही कहते हैं भाई अभी। मैं कह रहा हूँ जी, क्या कहें इनकी वजह से अभी कंपटीशन होने वाला है जी। अच्छा। अयोध्या में कंपटीशन है नेशनल की ट्रायली, सारे वजन जी हम गए खुद लड़ने कंपटीशन, 8-8 किलो वजन घटा के गए जी। तो कहाँ कहाँ से आए हो? हम नोएडा से हैं सारे जी, नोएडा से। हाँ हम 8-8 किलो वजन घटा के गए जी वहाँ जी गए। ठीक है वहाँ से हमें कैंसिल होगा, वहाँ से वापस आना पड़ा, हमारे खर्चा लग गया दुनिया भर का जी, हमारे को पैसा फ्री को थोड़ी आ रहा हो जी। घर वाले कैसे कैसे हमें पहलवानी करवा रहे हैं, ये अपने क्या कहें नेतागिरदी में लगे हुए हैं सारे के सारे। आपको लगता है नेता बन गए हैं? नेता बन गए जी। नेता बन गए, नेता मिलने नेता बन गए, आवाज उठाना नेतागिरी हो गई क्या? आवाज कौन सामने लाओ ना, उन्हें जिनके साथ गलत हुआ फिर उन्हें सामने क्यों ला रहे? ना तो उन्हें सामने लाते है, और कहने गलत हुआ उन्हें सामने ले गाओ जिनके साथ गलत हुआ, जिनके साथ गलत हुआ वे सामने भी तो ना आ रहे जी। हाँ सामने आओ, बस गलत हुआ गलत हुआ, ऐसा गलत होने से गलत। आप ये कह रहे हैं कि जो ये जिन्होंने इन्होंने इल्जाम लगाया है वो सब गलत है? गलत है सारा गलत है, ये इन्होंने पहलवानी बदनाम कर दी, इन्होंने कुश्ती बदनाम कर दी सारे। तो आप क्या चाहते हैं, क्या है किस लिए आए? क्या चाहते हैं कि ये अलग हटे हैं, जो नेताजी हैं बिल्कुल बढ़िया, फेडरेशन चल रही है बढ़िया, कंपटीशन हो रहे, साल में 12-12 18-18 नेशनल हो रहे सारे,
सारे बालकन की नौकरी लग रही थी, बढ़िया कंपटीशन चल रहा, सारे कुछ पहलवान बढ़िया चल रही रेसलिंग जैसे चल रही थी पहले वैसे चलती रहेगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसी चलती रहे, नेताजी पहलवान ने बहुत आगे लेके गए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए तमाम जो है रेसलर जो यहाँ पे मौजूद हैं और ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, इनका मानना है और इनकी डिमांड है कि जो रेसलिंग जो फेडरेशन जो चल रही थी वैसे ही चलती रहे, जो अध्यक्षता इन्होंने ख़त्म करी है वो कंटिन्यू करी जाए।